हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। आज है शिवरात्रि, तो आप सब लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। इस बार मैं घर नहीं गई, हमारे वहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन करते हैं। सेलिब्रेशन तो सारी जगह करते हैं, बट हमारे वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं खाने में। वैसे मैं हर बार जाती हूँ शिवरात्रि के दिन घर, शिवरात्रि के टाइम घर। दिन थोड़ा बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो बोलने में थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। मैं इसलिए नहीं गई, घर मेरी फ्रेंड्स की शादी है। कब यह है? 11th मार्च। तो 10, 11, 12 में जाऊँगी, ढेर सारे ब्लॉग आएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद जब व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो समझ नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। ब्लॉग तो मैंने बहुत ज़्यादा बना के रखे हैं, बट उनको एडिट अपलोड करने का टाइम ही नहीं है। बट मैं आज कर रही हूँ बिकॉज आज मेरे को ऑफ है। आज है महाशिवरात्रि। शिव बहन पार्वती की शादी हुई थी आज के दिन, और बहुत स्पेशल माना जाता है ये डे। तो हमें दी थी आज छुट्टी और हम करें इंजॉय। तो आज मम्मा ने बहुत कुछ खाने को बनाया हुआ है हमारे। जैसे मैंने बताया था पकवान वगैरह बनाते, तो मम्मा ने बोला तू भी बना, तो भल्ले बना रही हूँ मैं। तो ऐसा मेरा आज फास्ट है, मैं शिवरात्रि को फास्ट सकती हूँ। तो शाम की प्रिपरेशन हो रही है मेरी। अभी टाइम हो रहा है 4 शाम के, और शाम को मैं जाऊँगी मंदिर। और हमारे ना घर के जस्ट बाहर एक मंदिर बना है शिव जी का, बहुत बड़ा, उसको दिखाऊंगी आज। वहाँ पे प्रतिष्ठा है और आरती वगैरह बहुत जरूरी है। कल वहाँ पे बहुत बड़ा, कल 9 है ना, बहुत बड़ा फंक्शन है वहाँ पे, भंडारा वगैरह। पर कल मेरी ड्यूटी है, तो अभी मैं दिखाती हूँ। मैंने भल्ले रखे भी बोले। तो ये जो उड़द की दाल होती है ना, आधी ब्लैक आधी वाइट वाली, तो वो रखी थी डाल के। तो इसमें से जो ये काला काला बहुत निकाल दिया, बहुत पानी लगा है, ऐसे 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 किया मैंने, तब जाके वो अभी मैं भिगो के रखी। थोड़ी देर बाद मैं इसको मिक्सी में पेस्ट बना दूँगी और हलवा बनाऊँगी और पूरी बनाऊँगी। वाओ। सो गाइस, अभी मैं कर रही हूँ स्टार्ट बनाना। तो ये सारे खड़े मसाले जो जो मेरे पास है वो अवेलेबल, वो मैंने डाल दिए हैं। इसमें डाले हैं जीरा है, एंड ये ब्लैक पेपर है, और मिर्च है, एंड धनिया है सूखा वाला, और लौंग वगैरह ऐसे करके। ये इनको मैं सबसे पहले भून रही हूँ, फिर इसको मिक्सी के अंदर पेस्ट बनाएंगे। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा भून लेती हूँ मैं। सो गाइस, ये वाला पेस्ट थोड़ा सा थिन बना, ये थिक थिक होना चाहिए तभी बनेगी, नहीं अदरवाइज नहीं बनेगी। पहले मैंने बड़ा वाला ये ना मिक्सर का वो लिया, उसमें तो ओनली शेक वगैरह बनते, उसमें हो नहीं रहा था। देन ट्रांसफ़र किया, मैं पानी डाला, इस वजह से हुआ। मैंने इसमें छोटे वाले में किया, तो अब सबका कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी से पेस्ट बना लेती हूँ। तो पहले वाला जो पेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा थिन पतला हुआ है, इसका बनेगी। पर मैं कोशिश करूँगी, अपना बेस्ट दूँगी, बन जाए ये भले। और साथ में अभी जो छोटे वाला ले लिया, इसमें डाल दी वो सारे वो, और डाल दी उसमें प्याज। सो गाइस, ये हो गया पेस्ट। अरे वाओ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, जैसे लग रहा है कि मैं घर में हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं। घर में दो बार बताती थी, उसमें मम्मा साथ में आते थे। आज मम्मा ने बोला, मैंने बोला मम्मा क्या कर रहे हो, बोलते मैं भल्ले वगैरह बना रही हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, मैं ऐसे करके खोल रही थी। तो मम्मी ने बोला तेरे पास क्या, तू लेके गई थी ना उड़द की दाल घर से, तो वो भिगो ले जल्दी से जल्द। तो जैसे जैसे मम्मा होती गई, मैं ऐसे ऐसे करती गई, और ये गोल बन गई, तैयार हो गई। इसको अच्छी तरह से अभी ना ऐसे ही घोलूँगी, ताकि ना थोड़ा सा फिर जो भल्ले ना वो थोड़ा जैसे बंद होता ना, बफे बफे खाने में सॉफ्ट सॉफ्ट मज़ा आता है इसको। तो इसको रखूँगी पेस्ट को तैयार करके और खो। सो गाइस, ये देखो शेप अच्छी नहीं बढ़ेगी, तो कोई बात नहीं, अच्छे बने हैं। और बहुत ज़्यादा पेस्ट भी बचा हुआ है, कुछ बन रहा है और कुछ यहाँ पे है, और बहुत बन गया है। कल मैं लेके जाऊँगी ऑफिस और बताऊँगी कि मेरी शिवरात्रि में ना ये बनाते, सबको खिलाऊँगी पसंद आए थे। वैसे तो यार, जब दूसरों के घर का खाना कुछ भी आ जाए ना, आलू की सब्ज़ी, फिर भी वो टेस्ट लगती है, तो इसमें तो टूटी पड़ेगी। ये तो मुझे शायद बहुत, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, पर मैं बनाती हूँ ये बात अलग है। सो अब जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ ये। उसके बाद हम इसको ना नमक नहीं डाला है पहले, तो नमक में डालेंगे बाद में, जब ये सारे बन जाएंगे। एक प्लेट में नमक लेके उसको घोल के उसमें डालते हैं इस तरह से, सब बना देती हूँ। गाइस, ये बाउल लिया, इसमें डाल दिया पानी और नमक। तो अब लगाते हैं नमक इसमें,
ये थोड़ा जल गया है, और तो सही है, अच्छे है। बस दो ही बार हमने डीप करना है अभी। मुझे नमक चेक नहीं किया है, मैं बाद में करूँगी। मैं फास्ट को खोल दूँगी, मेरा फास्ट है ना, इसलिए चेक नहीं करूँगी। तो अपने आइडिया अनुसार मैंने डाल दिया इसमें। तो इसका मैं दही बड़ा भी बना सकती हूँ। सो गाइस, कढ़ाई मैंने चढ़ा लिया, बना रही मैं हलवा। हलवा मैं बना रही प्योर देसी घी का। देखो ये घर से लाया था मैंने, सोनी गाय का देसी घी। निकाल देती हूँ अभी इसमें, फ्रिज में रखा था, निकल रहा। ये डाल दिया मैंने घी। हलवा मैं बिल्कुल बरसात के लिए बनाऊंगी, ज़्यादा मैं खाती रही हूँ, मीठा हो जाता है, मेरा मन नहीं करता, तो बरसात के लिए थोड़ा सा बना। ये सारी चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। हलवा को तो पहले एक दो बार बनाया है, पर कच्चा रहा है। आज देखते हैं आज अच्छे से पकाऊंगी। तो उसके बाद पूरी, पूरी तो पूरी भी बनाती हूँ, पर अच्छे से नहीं बनती है, गोल गोल। बस यही है कि गोल गोल ही बनती है, फिर खुल जाती है। सो गाइस, हलवा भी मोस्ट रेडी। अब मुझे पूरियाँ बनानी है। प्योर देसी घी का हलवा बनाया। और सो गाइस, अभी बना रही हूँ मैं पूरियाँ, जो प्रसाद के लिए भगवान को चढ़ाऊंगी। देन उसके बाद जाऊंगी बाहर मंदिर, फिर आके खुद के लिए बाद में बनाऊंगी। और तो सारा कुछ बन गया है, बस पूरी नहीं बनानी। तो ये भगवान जी के लिए प्रसाद। जय भोले शंकर, ये ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। Thank you.
पंडित जी, वो पंडित जी।